हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। Previously on Superman and Lois. Let's just focus on what we came here for. Family. How's Eliza doing? She's okay. She's okay. Maybe she's okay. Captain Luthor. We need to stop Kal-El before he does to this world what he did to mine. Tag, I think my heat vision has affected him somehow. Don't try to tell me it wasn't my fault. Miss Sharon Powell, my son was a minor at the Edge facility. Morgan Edge offered him the opportunity of a lifetime. Turns out Miss Powell's son isn't the only worker who's gone missing. 3, 2, 1. तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुईस के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 का रिकैप करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत क्लार्क केंट और उसकी फैमिली से होती है और अपनी फैमिली के साथ हार्वेस्टिंग का काम करते हुए उन्हें इस ट्रेडिशन और अपनी मॉम के बारे में बताता है और हमें इसी बातचीत के दौरान पता चलता है कि जॉनथन की गर्लफ्रेंड एलाइजा भी इस फेस्टिवल में शामिल होने वाली है और फिर स्कूल जाने पर जॉर्डन की डेट फिक्स करने के बाद उसे एलाइजा फोन करके बताती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है और इसकी वजह से इस शहर में आने पर उसे ये भी खुशी नसीब नहीं होती है। और जब जॉर्डन को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन जॉनथन उससे बोलता है कि ऑल गुड, वेलकम टू स्मॉलवेल। और मेरे लिए ये जगह ऐसी साबित हुई है जहाँ पे लोग फोन पे ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और इधर क्लार्क लुईस से बातचीत करते हुए अपनी मॉम या मार्था कैंट के रूम को लुईस का ऑफिस बनाने का सजेशन देता है और साथ ही साथ बचे हुए सामानों को हार्वे फेस्टिवल में या अपने मॉम के द्वारा बनाए गए ट्रेडिशन में कुछ सामानों को डोनेट करने को भी बोलता है। और तभी क्रिसी उसे फोन करके बताती है कि सैरन पॉल अपने बेटे के साथ ऑफिस में बैठी हुई है और हम पिछले एपिसोड की कहानी से जानते हैं कि सैरन पॉल ने ही अपने बेटे के गुम हो जाने की रिपोर्ट या न्यूज उन दोनों को दी थी। और न्यूज पब्लिश होने के बाद मॉर्गन एज के गुंडों ने या सुपरमैन की तरह ताकत रखने वाले एक शख्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी। और लुईस लेन के ऑफिस पहुंचने पर वो उसे बताता है कि वो खदानों के टनल में काम करते हुए एक दिन घायल हो गया था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और जब उसे थोड़ा बहुत होश आया तो वो एक चर्च की मदद से अपनी माँ के घर तक पहुंचा है। और हम देखते हैं जब लुईस लेन उसके छोड़े गए मैसेजों के बारे में पूछती है तो वो पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और फिर उसकी माँ उसकी बिहेवियर पे कवर अप करते हुए और क्रिसी के सवालों के बौछार करने के बाद भी वो उन्हें यही समझाने की कोशिश करती है कि उसका अब मॉर्गन एज से कोई भी लेना देना नहीं है और फिर उन दोनों को गुड बाय करके चली जाती है। और जब क्रिसी इस बारे में लुईस लेन से बात करती है तो वो उसे समझाते हुए बोलती है कि वो अपने बेटे के लौटने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है और इसी वजह से वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती है और जब ये मामला एक बार ठंडा हो जाएगा तो हम लोग उसके पास जाकर इस बारे में बात करेंगे। और हम उसके ऑफिस के बाहर देखते हैं कि जॉन या लेक्स लूथर उसका पीछा करते हुए सुपरमैन को खोजने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम कम्युनिटी सेंटर में देखते हैं कि बहुत से लोग अपने सामानों को डोनेट कर रहे हैं और फिर सैरन पॉल और डेरेक पॉल भी कपड़ों को डोनेट करने के लिए आते हैं। और जब लाना डेरेक पॉल से बात करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और फिर वो अंदर जाते हुए लेस्ली को फोन करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए सुपरमैन की तरह ही उसके आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पूरी कम्युनिटी सेंटर को जला देता है। और इधर क्लार्क अपने बचपन के बारे में सोचते हुए अपनी माँ के साथ बीते हुए पलों को याद करता है और अपनी मॉम से बातचीत करते हुए बीच में ही उसे छोड़कर चला जाता है जहाँ पे कुछ चोर एक दुकान से सारे सामानों को चुरा रहे होते हैं। और जब क्लार्क उन्हें सामान वापस रखने को बोलता है तो उनमें से एक आदमी पीछे से उस पर हमला बोल देता है और फिर अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए उसकी बंदूक को छीनने के बाद उसके आंखों के सामने दो टुकड़े कर देता है। और जब पीछे वालों में से एक बंदूक को चलाता है तो बंदूक की गोली को रोकने के बाद उनके पास आकर सभी सामानों को वापस रखने को बोलता है। और तभी क्लार्क को कम्युनिटी सेंटर के हादसे के बारे में पता चलता है। और इधर काइल अपनी टीम की मदद से सभी लोगों को बचा रहा होता है और जब उसे मिच के बारे में पता चलता है कि वो वहीं पे छूट गया है तो वो उसे लेने के लिए अंदर घुस जाता है। और अंदर जाते हुए अपने दोस्त को खोजने के बाद वो उसे बचाते हुए बाहर ले जाने लगता है
और फिर क्लार्क वहां पे पहुंचकर सभी चीजों का जायजा लेने के बाद कम्युनिटी सेंटर के अंदर चला जाता है। और जब बिल्डिंग पूरी तरह से टूटकर गिरने वाली होती है, उन दोनों की जान को बचा लेता है। और जब काइल के आदमी मिच को आकर ले जाते हैं तो गर्मी के मौसम में बर्फ को देखकर चौंक जाता है। और फिर क्लार्क घर पे बातचीत करते हुए लुइस को बताता है कि डोनेशन में दी गई सारी चीजें जल गई थी और सेरन पॉल भी सेंटर के बाहर किसी को ढूंढ रही थी। और इस न्यूज को सुनने के बाद लुइस के अंदर का पत्रकार जाग जाता है। और जब वो वहां के लिए निकलने वाली होती है, जॉर्डन और जॉनथन दस्तक दे देते हैं और जॉर्डन उन्हें बता देता है कि अलाइजा ने उसको डंप कर दिया है। और जब लुइस इस बारे में जानने के बाद जॉनथन से बातचीत करने के लिए जाती है तो जॉनथन के अंदर का दर्द छलक पड़ता है और फिर अपनी माँ से गुस्सा होते हुए अपने रूम में चला जाता है। और फिर काइल से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि मिचेल या मिच की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और डेरेक पॉल भी हादसे के वक्त पीछे घूम रहा था। और फिर क्रिसी से बातचीत करते हुए उसे सारी सच्चाई बता देती है और क्रिसी उससे कहती है कि मेरे अंदर का रिपोर्टर ये बता रहा है कि डेरेक पॉल में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। और वो उसे बताती है कि तुम उसके मॉम के पास जाकर उसे अपने पास ले आओ। और जब वो वहां से जा रही होती है तभी जॉन दस्तक देते हुए उसे रोक लेता है और उससे बातचीत करते हुए अपने आप को एक रिपोर्टर बताता है। और लुइस लेन के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो उसके काम का बहुत बड़ा फैन है और उसे ये भी बताता है कि उसके द्वारा लिखी गई मॉर्गन एज पे स्टोरी को उसने पढ़ा है। लेकिन उसे लगता है कि मॉर्गन एज के इससे भी ज्यादा छुपे हुए राज हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जॉन का असली मकसद लुइस लेन के सारे सुपरमैन तक पहुंचने का है और वो इसी वजह से उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और उससे बातचीत करते हुए बताता है कि उसके पास फिलहाल तो कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन माइंस में जाने का उसने एक तरीका ढूंढ लिया है। और लुइस लेन इस बात को जानने के बाद उसे अपना नंबर देते हुए टच में रहने को बोलती है। और इधर क्रिसी सेरन पॉल के पास पहुंचकर और उसके मोबाइल को लेने के बाद उसके बेटे का लोकेशन जान जाती है। और इधर जॉर्डन सारा का जिक्र करते हुए अपनी पहली डेट के बारे में उसे बता देता है। और जब अपने बेटे जॉनथन को समझाने लगता है तो वो उसे बताता है कि वो उन लोगों को छोड़कर अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है। और जब क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक समय था जब वो अपने मॉम को इसी तरह से छोड़ के गया था, जिसे सुनने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए उस पे भड़क पड़ता है और उसे बोलता है कि मैं बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी सुपर बॉय की तरह हूँ और ये शहर मेरे लिए वैसा ही है जैसा कि आपके लिए क्रिप्टोनाइट है और मैं इससे नफरत करता हूँ। और जब वो अपने दोस्तों का जिक्र करते हुए उनके साथ या हॉस्टल में रुकने की बात करता है तो क्लार्क उसे सीधे सीधे मना कर देता है। और फिर से क्लार्क पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि शायद मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था और जॉर्डन की तरह उसे बाद में बताना चाहिए था। और जिस तरह से आपने उसे फुटबॉल खेलने की परमिशन दे दी, उसी तरह से बाद में आप मुझे भी परमिशन दे देते। और फिर दोनों हार्वर्ड फेस्टिवल में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। और हम क्लार्क के पास में देखते हैं कि उसकी मॉम और वो उसके हीरो बनने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और जब उसकी मॉम उसे समझाने लगती है तो ठीक जॉनथन की तरह ही वो भी गुस्सा होकर चला जाता है। और इधर जब काई अपने दोस्त मिचेल के बारे में अफसोस करते हुए और अपने दोस्तों के साथ शराब पी कर आता है तो वो उस पे गुस्सा होने लगती है। और जब उसके बच्चे वहाँ पे आते हैं तो वो अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और हम बाद में देखते हैं कि काइल अपनी बेटी के साथ बातचीत करते हुए उसके साथ बचपन में गाए गए गाने को गाने लगता है। और फिर सारा इस गाने को सुन और दुखी होकर उसे गुड बाय करके चली जाती है। और इधर जब वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं तो जॉनथन अपने दोस्तों को देखने के बाद और उनके ऑफर करने पे ड्रिंक करने लगता है। और फिर जॉनथन के कहने पे जॉर्डन सैरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। और इधर हम लेस्ली और डेरेक को किस करते हुए देखते हैं। और जब वो उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है तो वो उससे बातचीत करते हुए बताती है कि हम दोनों मिलकर इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। और फिर उसे वो अपने ठिकाने पे ले जाती है और हम किसी को भी उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। और इधर क्लार्क अपनी खिड़की को खोलते हुए फिर से पास में चला जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसके बंकर या उसके सिप की चाबी देती है, जिसे हमने जॉर्डन के पास और शक्ति परीक्षण करते हुए देख चुके हैं। और मार्था उसे देते हुए बताती है कि मैं कभी भी ये मान नहीं सकती हूँ, ये घर तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं है और शायद वो समय आ गया है जब तुम्हें इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हारा भविष्य क्या है। और इधर हम हार्वेस्ट फेस पर देखते हैं कि जॉर्डन सारा के लिए गिफ्ट खरीदने के बाद और फिर उसके आने पे उसे देने के बाद दोनों बातचीत करते हुए मेले में घूमने लगते हैं। और इधर क्रिसी उनका पीछा करते हुए उनके खुफिया ठिकाने तक पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि वहां पे लेस्ली उसे किसी बंकर में या किसी मशीन में उसके अंदर लेटाकर उसे ऑन कर देती है।
और इधर जब जॉनथन और सेरा प्यार भरे पल बिता रहे होते हैं, तभी जॉनथन अपने दोस्तों के साथ आकर उनकी इस डेट को खराब कर देता है और फिर सेरा अपने दुखों के सैलाब को निकालते हुए उन सभी पे बरस पड़ती है और फिर जॉर्डन से गुड बाय करके चली जाती है। और जब जॉर्डन उसके पास जाने की कोशिश करता है तो जॉनथन उसे समझाता है कि उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। और जब वो दोनों अपने माता पिता से मिलते हैं तो क्लार्क को पता चल जाता है कि उसने ड्रिंक किया है और इसी वजह से लुईस उन पे भड़कते हुए उन्हें घर जाने को कहती है। और तभी क्रिसी उसे फोन करके सारी हकीकत बता देती है और जैसे ही क्लार्क को पता चलता है वो वहां से गायब हो जाता है। और इधर जब लेस्ली उसे बाहर निकाल कर ये पूछती है कि ये काम कर रहा है या नहीं, तभी वहां पे सुपरमैन दस्तक दे देता है और हम देखते हैं कि वो लोग उसी पॉड का यूज कर रहे हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में मॉर्गन एज को कैप्चर करते हुए देखा था। और हमें यहाँ ये भी पता चल जाता है कि लेस्ली लॉर और उसकी शक्तियां कहां से आई है। और जब सुपरमैन उसके बारे में पूछता है तो डेरेक उस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से भाग जाता है और सुपरमैन भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। और जब वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं तभी जॉन की गाड़ी या उसका कंप्यूटर उसे सारी चीजें बता देता है और फिर जॉन इस बात को जानने के बाद उनका पीछा करने लगता है। और हम देखते हैं कि जहां डेरेक सभी चीजों को बर्बाद करते हुए जा रहा होता है वहीं सुपरमैन उसका पीछा करते हुए सभी चीजों को ठीक करते हुए जाता है और उसी बीच जॉन भी उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइव में लगाकर अपने मिसाइल को रेडी कर लेता है। और इधर जब सुपरमैन उसे मारते हुए पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और अब इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो। और जब वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं जॉन मिसाइल को सेट करने के बाद उन दोनों पे फायर कर देता है। और जब वो दोनों गिरकर उठते हैं तो सुपरमैन उसे बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन डेरेक उसे बताता है कि तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूं। और फिर उसके आंखों के सामने ही अपने आप को जलाकर खत्म कर लेता है। और जब जॉन वहां तक पहुंचता है तो वो दोनों वहां से गायब होते हैं। और घर पहुंचने के बाद जॉनथन से बातचीत करते हुए उसे बिना पनिशमेंट देते हुए माफ कर देता है और उसे बॉक्स देते हुए बताता है कि इस बॉक्स को उसके पिता ने दिया था और अब वो इस चीज को फॉलो करते हुए उसे दे रहा है। और उसे यहाँ ये भी बताता है कि अगर उसे यहाँ कुछ दिन रहने के बाद अच्छा नहीं लगता है तो वो दोनों फिर से उसके जाने के बारे में बात करेंगे। और क्लार्क से बातचीत करते हुए वो उसे बताती है कि वो लोग जो भी उस मशीन के साथ कर रहे थे उसका कोई ना कोई कनेक्शन माइंस से जरूर है। और जब सुबह होने पर वो लोग अपने सामानों को डोनेट करने के लिए जाते हैं तो लाना उन्हें बताती है कि मॉर्गन एज ने सारे सामानों की भरपाई कर दी है। और वो उन्हें सरप्राइज देते हुए उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे मार्था केंट बैठकर सभी लोगों की हेल्प किया करती थी और इस ट्रेडिशन को भी उसी ने चालू किया था। और लाना उन्हें बताती है कि मार्था केंट को अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए सभी लोगों के डोनेशन से इस चेयर को बनाया गया है। और उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए लुईस लेन और क्लार्क को बैठने को बोलती है। और हम क्लार्क की यादों में देखते हैं कि उसी जगह पर मार्था केंट ने क्लार्क से गुड बाय कहा था और यहीं से सुपरमैन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और हम वहीं पे देखते हैं कि जॉन या लेक्स लूथर उन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। और जब वो अपनी बहन में जाता है तो उसकी भावनाओं को रीड करते हुए उसकी कंप्यूटर उसे बताती है कि ये उसकी लुईस लेन नहीं है। और वो उसे बताता है कि यहाँ पर उसकी सारी चीजें सेम है और सिर्फ यहाँ पे कुछ बदला है तो उसने यहाँ पे शादी कर ली है। और हम उसके सपनों में देखते हैं कि लुईस लेन उसके ग्रह पे या उसके घर पे वो उसकी बीवी थी। और इधर हम देखते हैं कि जॉर्डन सेरा से मिलने के बाद अपने गिले से कुएं दूर करके वापस घर लौट रहा होता है तो टैग उसे उड़ाकर और फेंकने के बाद उसे मारते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। और इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।